हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। सलमान खान इन दिनों अपने छोटे जीजा आयुष शर्मा के साथ फिल्म अंतिम की शूटिंग में बिजी हैं। हाल ही में आयुष ने फिल्म से सलमान खान का लुक शेयर किया था, जिसमें वो पगड़ी पहने हुए सिख लुक में नजर आए थे। अब खबर है कि सलमान के रोल के लिए पहले शाहरुख खान को अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। फिल्म अंतिम में सलमान खान सिख कॉप की भूमिका में नजर आएंगे, तो वहीं आयुष गैंगस्टर की भूमिका निभा रही हैं। एक लीडिंग वेबसाइट की रिपोर्ट की माने तो पिछले साल शाहरुख को ये फिल्म ऑफर की गई थी, लेकिन लीड रोल न होने के चलते उन्होंने इनकार कर दिया था। खबरों की माने तो शाहरुख को इस फिल्म की स्क्रिप्ट काफी पसंद आई थी, वो इस फिल्म में काम भी करना चाहते थे, लेकिन कम रोल होने के चलते वो इस फिल्म में काम करने के लिए राजी नहीं हुए, जिसके बाद फिल्म से शाहरुख को हटाकर सलमान को लिया गया। बता दें, इस फिल्म में आयुष शर्मा मुख्य भूमिका में हैं, जबकि सलमान सेकंड लीड रोल निभा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि फिल्म अंतिम मराठी फिल्म मुल्शी पैटर्न का हिंदी रीमेक है, जिसे महेश मांजरेकर डायरेक्ट करने वाले हैं। फिल्म की कहानी भू माफिया पर आधारित है। बात करें सलमान खान की, तो वो अपनी नई फिल्म राधे योर मोस्ट वॉन्टेड भाई को लेकर भी सुर्खियों में है। हाल ही में उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग पूरी की है। इस फिल्म का डायरेक्शन प्रभु देवा ने किया है। फिल्म में सलमान के साथ साथ दिशा पाटनी, रणदीप हुड्डा और जैकी श्रॉफ जैसे स्टार्स भी नजर आएंगे। तो दूसरी तरफ शाहरुख खान फिल्म पठान की शूटिंग में बिजी हैं। फिल्म का डायरेक्शन वॉर और बैंग बैंग जैसी फिल्में बना चुके सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं। दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी फिल्म पठान का हिस्सा होंगे। इस फिल्म को यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म पठान में सलमान भी कैमियो करते हुए नजर आएंगे, जिसे लेकर वो लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। खैर, फिलहाल तो आप हमें कमेंट करके ये बताएं कि फिल्म अंतिम में सरदार के रोल में क्या शाहरुख सलमान से अच्छे लगते या नहीं।